नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से बेखौफ चोरों ने 3 दुकानों में नाकाब पहनकर की लूट। आइए आपको बताते हैं क्या है मामला। बीती रात बेखौफ चोरों ने नीरज व धीरज सोनी निवासी संगत जैतपुर, यह दोनों भाई विगत वर्षों से कोटी थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर चौराहे पर मोबाइल में ज्वेलरी की दुकान खोल रखे थे। बीती रात मोबाइल शॉप में ज्वेलरी की दुकान में करीब 80 लाख से ज्यादा ज्वेलरी व मोबाइल शॉप की दुकान से चोरी हुई। आइए सुनते हैं दुकानदारों का इस विषय पर क्या कहना है। दुकान कोठी थाना क्षेत्र से 1 किलोमीटर दूर यहाँ सादुल्लापुर में ज्वेलरी की है, जो अभी लमसम 1 साल हुए मुझको खोले हुए। और इसमें लमसम दोनों भाई साथ में आते थे यहाँ दुकान, आकर खोला दुकान तो पता चला कि हमारी दुकान में चोरी हो गई। लगभग 4-5 लाख रुपए का मेरी दुकान से और 4 लाख लमसम दूसरी दुकान से जो है सामान चोरी हुआ। हमारी भैया की है और सेम कार्ड के चोरों ने चोरी की है। लमसम 5 लाख का सामान हमारी दुकान में गया है और 4 लाख रुपए का हमारी भैया की जो ज्वेलरी की दुकान है उसकी चोरी की है। जब हम दुकान पर आए तो सुबह हमने देखा कि इस दुकान में पूरा सामान गायब है, तो हमने क्षेत्र में तुरंत आवाज दिया लोगों को। लोग आए यहाँ पर, ग्रामीण लोग, और देखा गया यहाँ पर कि चोरी ज्यादा से ज्यादा रुपए की हो गई है। बाराबंकी से दूसरी खबर पर नजर डालते हैं हम। शांति कमेटी के बैठक में पुलिस अधिकारियों ने जनता से क्या की अपील, आइए सविस्तार जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। शांति सुरक्षा पीस कमेटी की बैठक उपजिलाधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता व पुलिस उप अधीक्षक रामनगर पवन गौतम के संयोजन में हुआ, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा सम्मानित नागरिकों ने बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक रामनगर ने गांव के हर कोने पर होलिका दहन व गांव की अन्य जानकारी प्राप्त कर प्रभारी निरीक्षक बंदोबसराय पीके तिवारी, SSI रविंद्र यादव को होली का त्यौहार शांति व सौहार्द पूर्ण ढंग से मनाने का दिशा निर्देश दिया। उप जिलाधिकारी ने कस्बा बंदोसराय के शेख पुरवा होलिका दहन स्थल का निरीक्षण कर चर्चा की, जहां होली जलने के समय एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, फायर ब्रिगेड व बड़ी संख्या में पुलिस बल विगत वर्षों से तैनात रहता है। इस पर भी विचार विमर्श किया गया। किंतुर गांव के बुद्ध बाजार के होलिका दहन स्थल पर साफ सफाई कराने के निर्देश प्रधान प्रतिनिधि सलमान अंसारी को उप जिलाधिकारी ने दिया। आप देख रहे थे बाराबंकी से राम धीरज यादव की खास रिपोर्ट। अधिक खबरों के लिए आप बने रहिए लोकल खबरें के संग। लोकल खबरें, आपका शहर, आपकी खबर। जय हिंद।